यूपी और दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से 7 लोगों की मौत। आदाब नाज़रीन, यूपी और दिल्ली में अगले 48 घंटे मुश्किल भरे। बारिश से 7 लोगों की मौत, स्कूल बंद, रेड अलर्ट जारी। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश में मुसलसल हो रही बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। अगले कुछ घंटों तक ऐसे हालात बने रहने का अंदेशा है। वहीं दिल्ली में भी जुमेरात दोपहर तक 1159.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो 1964 के बाद सबसे बड़ी और ज्यादा और सबसे तेज तरीन बारिश मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश और उससे वाबस्ता वाकयात में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उसके साथ ही रायबरेली में 24 घंटों में 186 मिलीमीटर बारिश होने के बाद स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी मुतासर रही। कई इलाकों में रेलवे ट्रैक डूब गए हैं और कई सड़कों को भारी बारिश की वजह से बंद कर दिया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में सितंबर में हुई बारिश ने 400 मिलीमीटर के निशान को पूरा कर लिया। जुमेरात दोपहर तक हुई 403 मिलीमीटर बारिश सितंबर 1944 में होने वाली बारिश से ज्यादा पाई गई, जो कि 417.3 मिलीमीटर देखी गई है। ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट।